हम आए हैं 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस और मजलिस घंटा घर में। अभी टाइम हो रहा है 2:10, तकरीबन 3 बजे तक अलावा साहब बैठेंगे, उससे पहले पढ़ना है और पढ़ने वालों में अदन भी है। अदन 9 पढ़ रहा है आज, पहले भी पढ़ चुका है। कैसा फील कर रहे हो? इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बिल्कुल घंटाघर चौक में और ये सारा जुलूस है। यहाँ पे अभी मजलिस होगी, अलावा साहब आएंगे, उससे पहले पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली 8 बाज़ार हैं, 8 बाज़ार में इस वक्त जुलूस है और वो सारा मजलिस के टाइम बाज़ारों से आते हुए इस चौक में सारा इकट्ठा होता है। अम्मा
उसने वैसे मारा जिसने जैसे जा उसने वैसे मारा पर खाया जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा निकाला तुमने हो गया अम्मा बदन आज वो जख्मी सारा जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा अम्मा मेरा ये बदन देखो है पारा पारा जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा दुरूद पर मोहम्मद और मोहम्मद इसलिए कि मुस्तफा कह चुके थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ तो इस वक्त अगर हुसैन के लिए बैठे हैं तो ये मुस्तफा के लिए बैठे थे और अगर मुस्तफा के लिए बैठे हैं तो अल्लाह के लिए बैठे थे इस वक्त कार्य खुदा हो रहा है कार्य खुदा अंजाम दिया जा रहा है तो मेरे भाई मुस्तफा ने उम्मत का सबसे बड़ा मरज बताया उम्मत की सबसे बड़ी बीमारी बताई का उम्मत की सबसे बड़ी बीमारी ये होगी कि ये 73 फिरकों में बढ़ जाएगी ये 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी तो कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है कि जिसके पास आप जाएं और जाकर आप उससे कहें मुझे बीमारी क्या है तो वो बीमारी बता दे और आपसे कह जाइए खुदा हाफिज हर डॉक्टर बीमारी बता के उसका इलाज भी बताता डॉक्टर का काम है कि बीमारी बताए और उसका इलाज भी बताए बीमारी बताए और उसकी दवा भी बताए तो ये कैसे हो सकता है कि कायनात का सबसे बड़ा तबीब आजम सबसे बड़ा हकीम आजम जिसका नाम मुस्तफा है वो दुनिया वालों को बीमारी तो बताए लेकिन दवा ना बताए मैंने बाबा के जिस्म में सुराख देखा एक तीर चला बस आखिरी जुमला उसके बाद तुम मातम करना बस आखिरी जुमला कहने देना एक तीर चला हुसैन की पेशानी पर लगा अब मेरा मौला कहता है एक शख्स आगे बढ़ा उसको कुछ नहीं मिला उसने पत्थर उठाया हुसैन के सर पर मारा हुसैन का सर शिकाता हुआ फातिमा की आवाज ऐ मेरे लाल मैंने चक्किया पेश की इस कर पर या हुसैन कासिम है ओ मेरा गाजी मीरन टूट गया है ना अकबर है ना कासिम है कदर रह गया हाँ परदेश दे विच कदर रह गया हाँ परदेश दे विच असवार करा
जुलूस हो गया कंप्लीट, टाइम 4 बजे हैं और शदीद गर्मी थी और लोगों की हिम्मत है कि वो जिस तरह बैठे हुए थे। बस अब हम घर की तरफ ही जा रहे हैं।